त्याग संन्यस्त जीवन की सबसे पहली सीढ़ी। संन्यस्त जीवन तो छोड़िए, सांसारिक जीवन में भी त्याग के बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो त्याग पर आधारित है। इस कहानी को सुनकर आपका मन त्याग को अच्छी तरह से समझ जाएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गाँव में मंगल नाम का एक आदमी रहता था। वो अकेला ही उस गांव में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका कोई परिवार नहीं था। वो प्रतिदिन जंगल में अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता और खूब सारी लकड़ियां काट कर ले आता और शहर ले जाकर उन्हें बेच देता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से वो अपना जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन दोपहर के बाद का समय था। मंगल बैलगाड़ी पर लकड़ियां लेकर शहर की ओर जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो पैदल चलते चलते थक गया था। वो आदमी शहर का रहने वाला था। उसका नाम सूरज था। मंगल को देखकर सूरज कहता है कि भाई, यदि आप शहर की तरफ जा रहे हो तो मुझे आप अपनी बैलगाड़ी पर बैठा लो। मैं पैदल चल चल कर थक गया हूँ और यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। यदि आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मंगल उसकी बात मान लेता है और सूरज को बैलगाड़ी पर बिठाकर ले जाता है और उससे कहता है कि मनुष्य ही मनुष्य की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा। दोनों पूरे रास्ते बहुत प्रेम से बातें करते हुए आते हैं। जब वो शहर में पहुंच जाते हैं तब सूरज मंगल को अपने घर का पता देते हुए कहता है कि तुम अपना काम करके मेरे घर अवश्य आना। मैं चाहता हूँ कि तुम अतिथि बनकर मेरे यहाँ पर पधारो। तुम्हारा आदर सत्कार कर मुझे बहुत खुशी होगी। मंगल सूरज की बात सुन उससे कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, और ये कहकर सूरज अपने घर की ओर निकल जाता है। अपने घर पहुंचकर सूरज बड़ी ही उत्सुकता से मंगल की राह देखने लगता है। मंगल जब लकड़ियां बेच चुका होता है तो संध्या होने के बाद वो सूरज के घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही मंगल सूरज के घर पहुंचता है तो वो उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और बड़े आदर से उसका स्वागत करता है। उसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाता है और उसके बाद सोने का सुंदर प्रबंध कर देता है। रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहते हैं। अब सूरज और मंगल में बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। अगले दिन मंगल वापस से गांव के लिए निकल जाता है। अब मंगल जब भी शहर जाता तो वो सूरज से जरूर मिलता और उसके ही घर पर रहता। एक बार मंगल शहर गया हुआ था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। मंगल लकड़ियां बेचने के बाद सूरज के घर के लिए निकल जाता है और रात को वहीं रुकने का फैसला करता है। उस वक्त रात के करीब 9 बज रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हंस रहा था। धरती पर चारों ओर चांदनी दूध की धारा की तरह बह रही थी। पेड़ पौधे उस धारा में नहाकर सफेद हो गए थे। सूरज मंगल को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसे तुमने आज तक देखने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो दृश्य इतना अद्भुत है कि तुम उसे देखते ही रह जाओगे। और इतना कहकर मंगल को वो जल्दी से अपने साथ ले जाता है। सूरज की बात सुनकर मंगल उससे पूछता है कि लेकिन तुम मुझे ऐसा क्या विशेष दिखाने वाले हो, बताओ तो सही, उस दृश्य में ऐसा क्या खास है। सूरज मंगल से कहता है कि यदि तुमने वो दृश्य देख लिया तो तुम हैरान हो जाओगे। मेरे नगर में राजा का एक प्रधान खजांची रहता है। उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना। उसका कहना है कि एक दिन तो मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है, अतः संग्रह करने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में ही अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहिए। ये खजांची रोज ही बड़े ठाट बाट से भोजन करता है, परंतु पूर्णिमा की रात कुछ अलग होता है। उस रात वो कुछ इस तरह भोजन करता है कि वो दृश्य देखने योग्य बन जाता है। उस खजांची का भोजन सोने के बर्तन में परोसा जाता है। उसका सारा भोजन सोने के बर्तन में ही बनता है। यहाँ तक कि वो जिस चटाई पर बैठकर भोजन करता है वो भी सोने की ही होती है। वो खजांची पीले रंग के वस्त्र को धारण करता है और सोने के अमूल्य आभूषण को पहनता है। यहाँ तक कि उसके सभी नौकर चाकर भी पीले वस्त्र तथा सोने के आभूषण धारण किए रहते हैं। इस चांदनी रात में खजांची के घर एक ऐसी स्वर्ण आभा बिखरी रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं देवताओं का मन भी ललक उठता होगा, लालच से भर उठता होगा।
नगर के बड़े से बड़े अमीर लोग भी उस अनुपम दृश्य को देखने के लिए वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सूरज की ये बात सुन अब मंगल का भी इस दृश्य को देखने का मन करने लगता है और वो जल्दी जल्दी सूरज के साथ खजांची के भोजन का वो दृश्य देखने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां पहले से ही मेला लगा हुआ था। दूसरी तरफ खजांची पीले वस्त्र और सोने के आभूषण को पहन भोजन करने के लिए सोने की चटाई पर बैठ जाता है और उसके आगे सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे होते हैं। ये दृश्य देखकर मंगल अपने मन को वश में नहीं कर पाता। वो धीरे से सूरज को कहता है कि ये तो सचमुच अद्भुत दृश्य है। मैंने आज तक ऐसा दृश्य कल्पना में भी नहीं सोचा था। देखना तो दूर की बात है, काश मैं भी एक दिन इसी तरह का भोजन कर पाऊं। पर क्या कभी संभव हो सकता है? नहीं, इस गरीब के जीवन में ये कभी नहीं हो सकता। जब मंगल ये बात धीरे से सूरज से कहता है तब खजांची ये बात सुन लेता है। वो दृष्टि उठाकर मंगल की तरफ देखता है। उसे मंगल के मुख पर कुछ अनूठापन सा दिखाई पड़ा। उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है। कुछ समय बाद जब खजांची भोजन कर लेता है तब वो मंगल को अपने पास बुलाता है और उसकी ओर ध्यान से देखकर मंगल से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरी तरह ही पूर्णिमा की रात का भोजन करना चाहते हो। ये सुनकर मंगल हैरान हो जाता है कि उसे ये बात कैसे पता चल गई। खजांची कहता है कि यूं हैरान मत हो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। यदि तुम मेरी तरह भोजन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें काफी कठोर तपस्या करनी होगी। क्या तुम ये कर पाओगे? ये सुनकर मंगल कुछ देर सोच में पड़ जाता है और तब कहता है कि श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर मिले तो मैं तब क्या पहाड़ भी उठाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर खजांची थोड़ा सोचते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। ये सुनकर मंगल कहता है कि श्रीमान, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ, पर 3 वर्षों के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा ना? मंगल की बात सुनकर वो खजांची दृढ़तापूर्वक उससे कहता है कि अवश्य प्राप्त होगा। अब मंगल ने लकड़ियां काटने का काम छोड़कर खजांची के खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। अब वो दिन रात उसी के खेतों में काम करता, पसीने बहाता और वहीं पर रात में बाकी मजदूरों के साथ भोजन करके सो जाता था। मंगल हर एक मजदूर से बहुत प्रेम करता था। जब वो बीमार होते तो उनकी सेवा भी करता। सभी मजदूर उसके इस मधुर भाषण और मृदु व्यवहार पर मुग्ध हो गए थे। उसे अपना भगवान समझने लगे थे, उसे खूब मानते थे, उसका सम्मान करते थे। समय बीतता गया और अब वो समय भी आ गया जब 3 वर्ष पूरे हो गए थे। मंगल की लगन, मेहनत और प्रेम से इन 3 सालों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया था। उसका घर अनाज से भर गया था। खजांची मंगल की मेहनत पर प्रसन्न हो गया था। वो उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश था। ये सब देखकर उसके मन में विचार आया कि ये मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है, अलौकिक है, कोई चमत्कारिक है। जब पूरे 3 वर्ष बीत जाने के बाद मंगल पुनः खजांची के सामने उपस्थित होता है तब खजांची बड़े ही प्रेम और विनम्रता के साथ मंगल से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मेहनत पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब से लेकर मैं पूरे 1 दिन तक तुम्हें अपने भवन का मालिक घोषित करता हूँ। तुम्हारा जो मन करे वो करना, जो पहनना हो, खाना हो, जैसा रहना हो, इस सब की तुम्हें पूरी आजादी है। ये सुनकर मंगल खजांची से कहता है कि मालिक, मैं आपके भवन का मालिक नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस आपके समान 1 दिन के लिए भोजन करना है, मेरी इतनी सी इच्छा है। ये सुनकर खजांची मंगल से कहता है, पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी ये मजदूरी भी बहुत कम है, तुम केवल 1 दिन के लिए मालिक बनोगे। इतना कहकर वो अपने सभी नौकरों को ये आदेश देता है कि 1 दिन के लिए मंगल तुम्हारा और इस भवन का मालिक होगा। तुम सभी को उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। तुम लोगों को उसकी आज्ञा का पालन उसी तरह करना होगा जिस तरह मेरी आज्ञा का पालन करते हो। भवन का मालिक बनने पर मंगल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस उसे एक ही बात याद थी कि कल पूर्णिमा की रात है और मैं खजांची के समान ही भोजन करूंगा।
मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। अगले दिन पूर्णिमा की रात थी, उसी तरह चांदनी खिली हुई थी। मंगल खजांची के समान ही पूरी तरह सज धज कर आता है और उस सोने की चटाई पर बैठ जाता है। उसके आगे सोने के बने पात्रों में कई तरह के व्यंजन रखे हुए थे। ये सब देखकर वो बेहद खुश था। उसी तरह पीले रंग के वस्त्र पहन, सोने के आभूषण पहनकर वो तैयार था। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था। लेकिन वो जैसे ही भोजन ग्रहण करने जाता है, उसे एक बोध भिक्षु दिखाई दे जाता है। उस बोध भिक्षु ने मंगल की तरफ देखा और कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। उस बोध भिक्षु के ये शब्द मंगल के हृदय में उतर जाते हैं। उसके हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश उठने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे सारा विश्व उसके भीतर समाविष्ट है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी भी। एक ही क्षण में मंगल का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो बिना किसी मुंह के अपना भोजन भिक्षु को दान कर देता है। ये देख वहीं बैठा खजांची बहुत ही आश्चर्यचकित हो उठता है। वो बड़े आश्चर्य से उससे पूछता है कि मंगल, ये सब क्या है? तुमने ये सब क्या किया और क्यों? जिस भोजन के लिए तुम पिछले 3 वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हो, कठिन तप किया, आज जब वो भोजन तुम्हें मिला तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस बोध भिक्षु को दान कर दिया। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तब मंगल उस खजांची की तरफ देखकर कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। श्रीमान, जो मैं हूं वही वो बोध भिक्षु भी है। मैंने भोजन किया या बोध भिक्षु ने किया, ये एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, हम एक ही समान हैं। मंगल की बात सुनकर खजांची उस पर मुग्ध हो जाता है। वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें सदा के लिए अपने घर का मालिक बनाता हूं। परंतु मंगल ने ये मालिकाना भी उस बोध भिक्षु को दान में दे दिया। जब कुछ दिनों बाद मंगल के इस दान की खबर राजा तक पहुंची, तब वो भी मंगल के त्याग और सुंदर वचनों से प्रसन्न होकर उसे अपना पूरा राज्य देने की घोषणा करता है। लेकिन मंगल ने वो भी ना रखकर वो भी उस बोध भिक्षु को दान में दे दिया। ये सब देखकर वो बोध भिक्षु कहता है कि इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर महात्मा बुद्ध ने इसे अपने शरण में ले लिया है, और जो प्राणी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है उसे ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ लगने लगता है। उसके लिए ये सब कुछ नहीं होता और ना ही उसका इन सब से कोई मोह होता। मंगल के त्याग का प्रभाव खजांची और राजा के मन पर भी प्रभाव छोड़ता है, और तब वो दोनों भी सब कुछ त्याग देने का मन बनाते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर बोध भिक्षु बन जाते हैं। ये कहानी सुनकर आपके मन में जरूर ये सवाल उठा होगा कि अगर हम सब कुछ त्याग देते हैं, यानी कि उस राजा ने अगर सब कुछ त्याग दिया, तो राजपाट कौन चलाएगा? सृष्टि की व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल तार्किक है और इसका जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए त्याग बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम जिस त्याग को जानते हैं वो त्याग कोई और ही त्याग होता है। हम अपने जीवन का निर्वाह करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, सारी मोह माया के बीच रहते हुए भी उस मोह माया से अलग रह सकते हैं। मतलब हमारा उस मोह माया से मोह नहीं होना चाहिए। हम जो भी करें, पैसा कमाएं, प्रेम करें अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अच्छा घर बनाएं, अच्छी गाड़ी लें, लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है। मतलब कभी ना कभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब आप पूरी तरह से किसी चीज के मोह में पड़ जाते हैं तो आप त्याग नहीं कर पाते। त्याग किसी चीज को छोड़कर दूर चले जाना नहीं है, बल्कि उसी चीज के साथ रहकर ये समझना कि वो नश्वर है। यही त्याग है और यही त्याग का मतलब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।